हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो को। अब डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तीन चीजों की। हमें गिवन है टोटल एसेट्स जो कि है 2,30,000 रुपए के, टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट क्या हो गया जी, टोटल लाइबिलिटीज हो गए, ठीक है 1,50,000 है, और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 30,000 रुपीज के। तो आइए सॉल्यूशन पर आए हम लोग, डेट इक्विटी रेशियो निकालें। डेट इक्विटी रेशियो जो है, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगा जी, ये निकलेगा डेट, डेट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजंस, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और अगर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे निकालना चाहिए, तो हमें डेट चाहिए। अब हमारे पास टोटल डेट है, अगर टोटल डेट यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी, यानी नॉन करंट और करंट दोनों है डेट इसके अंदर, तो अगर टोटल डेट में से करंट डेट यानी करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास डेट आ जाएगा। तो आपके यहां पे कैसे निकलेगा जी, ये टोटल डेट में से माइनस कर दीजिए क्या, करंट लायबिलिटीज को, ठीक है। और इधर अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी कैसे निकल जाएगा, इक्विटी निकल जाएगा टोटल एसेट्स में से माइनस करो टोटल लायबिलिटीज, ये टोटल डेट कुछ नहीं है, टोटल लायबिलिटीज है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल डेट है ये टोटल लायबिलिटीज है। तो इक्विटी कैसे निकल जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी लिख लो या टोटल डेट लिख लो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। चलिए आइए कैलकुलेट करें, हमारे पास टोटल डेट है जी 1,50,000 रुपए का और करंट लायबिलिटीज हैं 30,000 रुपए की, ठीक है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने दिए 30,000 की, तो हमने ये ऊपर लिखा। इधर इक्विटी के लिए यानी शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए टोटल एसेट यानी 2,30,000, 2,30,000 रुपए, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट यानी टोटल लायबिलिटीज यानी 1,50,000 माइनस करेंगे। चलिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 1,50,000 में से 30 गए तो 1,20,000 रुपए, और इधर 2,30,000 में से 1,50,000 गए तो 50 और 30 80,000 रुपए, ठीक है। अगर इसे आप सॉल्व करें आगे तो आपके पास ये भी आ गया और ये 4 से गया तो 2 और ये 3, 3/2 आ रहा है, 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 को आप लिख सकते हैं 1.5:1, और अगर रेशियो की बात करें प्रोपोर्शन में तो 1.5:1 आपके पास रेशियो आ गई डेट इक्विटी रेशियो की, क्योंकि यहां पे आपका डेट ज्यादा है इक्विटी कम है, तो 1.5 गुना डेट है आपका एज कंपेयर टू योर इक्विटी। चलिए तो इस सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलेंगे, और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, कॉमर्स मंत्रास है यूट्यूब पर, आप जाइए और कॉमर्स मंत्रास को सर्च कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। थैंक यू।